कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। और यमराज और कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? कौन सा एक्टर निभाएगा रावण पुत्र मेघनाथ का किरदार? क्या कनाडा स्टार सुदीप भी दिखेंगे आदि पुरुष में? कितने VFX शॉट होंगे इस अपकमिंग फिल्म में? तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में। आदि पुरुष इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। जब से लोगों को पता चला है इस प्रोजेक्ट का, तब से वो लोग हो रहे हैं उतावले। आदि पुरुष में दिखेंगे प्रभास भगवान राम के रूप में, सैफ अली खान दिखेंगे लंकेश के अवतार में। वहीं दूसरी तरफ बात करें सनी सिंह की, तो वो निभाने वाले हैं लक्ष्मण का किरदार। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल यानी सीता की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस किरदार को निभाते हुए नजर आएंगी कीर्ति सेनन। सिर्फ वही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं बिग बॉस 13 फेम सिद्धार्थ शुक्ला भी दिख सकते हैं आदि पुरुष में। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ को शायद से अप्रोच किया गया है रावण पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाने के लिए। हालांकि सिद्धार्थ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन ऑडियंस उन्हें इस रोल में देखना जरूर पसंद करेगी। अब अगर बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की, तो वो जल्द ही एंट बालाजी की वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के थर्ड सीजन में नजर आने वाले हैं, जिसे प्रोड्यूस कर रही हैं एकता कपूर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आदि पुरुष को लेकर बात करते हुए ओम रॉथ जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में होने वाले घमासान एक्शन और इस फिल्म के लिए सैफ अली खान और प्रभास को एक साथ कई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरना पड़ा है। ओम रॉथ ने कीर्ति सेनन की एक्टिंग स्किल्स की भी काफी तारीफ की है और कहा है कि वाकई में कीर्ति एक फिनोमिनल एक्टर है। इसी के साथ दोस्तों आदि पुरुष को लेकर एक और खुलासा होते हुए दिख रहा है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस अपकमिंग फिल्म में बिग बी भी एक अहम किरदार निभाते हुए दिख सकते हैं। अमिताभ बच्चन इस अपकमिंग फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, कनाडा सुपरस्टार किच्चा सुदीप को भी विभीषण के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करके ओम रॉथ सिर्फ हमें अच्छी फिल्म ही नहीं बल्कि फ्रेश फेसेस भी दे रहे हैं। आदि पुरुष में जैसे एक्शन भी होंगे उसी तरीके से हैवी VFX का भी इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म में 8000 VFX शॉट्स होंगे, जो बाहुबली से 3 गुना ज्यादा है। बाहुबली में केवल 2500 VFX शॉट्स थे। इस अपकमिंग फिल्म में न्यू टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा मोशन पिक्चर्स के, जो अभी तक किसी भी इंडियन सिनेमा के पिक्चर में नहीं हुआ है। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कनाडा और मलयालम भाषा में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी कितने एक्साइटेड हैं इस अपकमिंग फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें।